विख्यात ख्वाजा मोहिनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स मेले के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ख्वाजा साहब की पवित्र मजार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर देश में अमन और शांति की दुआ की। राजनाथ सिंह ने यह चादर दरगाह कमेटी उपाध्यक्ष मुनवर खान, हाजी मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रजी खान शहजाद, हानिफ खान को सौंपी थी, जिसे आज लेकर वह ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे। इस मौके पर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष मुनवर खान ने राजनाथ सिंह की ओर से भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने देश में अमन चैन व भाईचारे के साथ खुशहाली की दुआ मांगी है। हर वर्ष की भांति मुसलसल 14-15 साल से जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर गृह मंत्री रहे और फिर रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की ओर से हर साल मैं चादर लेकर आता हूँ। और आप माननीय राजनाथ सिंह जी ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह से बहुत हकीकत रखते हैं और आप एक बार यहाँ आए भी हैं और आपकी आने की इच्छा है और आपने मेरे मार्फत हमेशा यहाँ चादर भेजी है और इस बार भी मैंने चादर और आपकी हकीकत के फूल पेश किए हैं और आपने मेरे मार्फत संदेश भेजा। उस संदेश में आपने कहा है कि हमारा देश ये सूफियों का देश है। ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अमन अमान की एक मुहिम चलाई और जिस तरीके से प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दिया, तो हमारा देश आपके उस संदेश पर अमल करे और हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है वो गंगा जमीन के युद्ध का हिंदुस्तान है वो तरक्की करे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और रक्षा मंत्री जी ने आने की इच्छा जाहिर की है और इस बार अगली बार आएंगे इंशाल्लाह।